Oxidation state. One of the notable features of transition elements is a great variety of oxidation state. This may show in their compounds. Table lists the common oxidation state of the first row of transition elements, that is Cati, Vikram, Fakoni, Copper, Zinc, Scandium, Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese, Iron, Cobalt, Nickel, Copper and Zinc. Unke oxidation state show kiye gaye. Sab mein common oxidation state jo hai na, that is +3. Okay, last two ko chhod ke. Okay, table yaad rakhna zaruri nahi hai. But uske jo conclusion hai wo yaad rakhenge. The element which gives the greatest number of oxidation state occurs in a or near the middle of the series. Sabse jyada oxidation state aapko middle mein dekhenge. Manganese ke liye dekho, +2, +3, +4, +5, +6, +7. Aaya samajh mein? Sabse jyada oxidation state kaun se elements mein dikhenge? Middle, series ke middle mein. Manganese for example exhibits all the oxidation state +2 to +7. The lesser number of oxidation state are at the extreme ends tends for either two or a few electrons to lose or a save, that is for scandium, titanium, or a too many d electrons, hence fewer orbitals available in a which share electron with the others for the higher valence of copper and zinc. Meaning aisa hai कि मिडल में सबसे ज्यादा वैलेंसी देखने मिला ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सट्रीम दो में कम वैलेंसी दिखने मिला. लेफ्ट हैंड साइड का रीजन ऐसा है कि यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है. स्कैनेडियम और टिटानियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कम, और इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाएंगे या फिर लूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड है. आया समझ में? एक्सट्रीम पॉइंट राइट हैंड साइड का रीजन ऐसा है कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम क्यों है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ज्यादा है और इसीलिए नया इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसको ऑक्यूपाई करने के लिए डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है. वैसे डी में मैक्सिमम कितने टाइप्स होते हैं? 5. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर पाते, ऑलरेडी उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. दैट्स वाई एम्प्टी स्पेस क्या बचेगा? कम बचेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहेगा? कम. दोनों का अलग अलग रीजन है. आया समझ में? आया ना? ओके. Thus early in the series, that is scandium 2 virtually unknown and the titanium 4 is more stable than the titanium +3 and titanium +2. तो सीरीज में अगर आप देखो तो स्कैनेडियम में सिर्फ और सिर्फ +3 ही है. देखो स्कैनेडियम के नीचे एक टेबल में +3 ही है. तो स्कैनेडियम +2 इज वर्चुअली अननोन, उसमें कभी +2 दिखने मिलेगा नहीं. और टिटानियम में टिटानियम 4 इज मोर स्टेबल देन वॉट? टिटानियम 3 एंड टिटानियम 2, यानी कि Ti+2, Ti+3 के 3 से ज्यादा स्टेबल कौन है? Ti+4. एट द अदर एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2. जिंक इज द लास्ट वन, लास्ट एलिमेंट. ओके, देखो उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2. नो डी इलेक्ट्रॉन आर इनवॉल्व. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन कंप्लीट होने के बाद 4s2 3d10 और Zn+2 में कौन जाएगा? 4s2 के दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d का 10 to 10 ही रहेगा. एंड दैट्स व्हाई यहां पे लिखा है नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इनवॉल्व. डी इलेक्ट्रॉन्स उसमें इनवॉल्व होते नहीं है. Zn+2 में सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं? क्वेश्चन होता है ऐसा, जब बोलते हैं ना तो इसको क्वेश्चन बोलते हैं. क्वेश्चन का आंसर होता है, जो आंसर बच्चे लोगों को देना होता है, जो पढ़ाता है उसको नहीं. मैंने क्या बोला? रूल से जाता है, बट जो बोला था वही, जो पहले पढ़ाया था वही रिपीट किया मैंने. मैंने ऐसा बोला Zn+2 में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आपको सिर्फ बताना है s इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे. आया समझ में? और रूल्स क्या था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स बाद में रिमूव होते हैं. तो 4s इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल
The maximum oxidation state of reasonable stability corresponds in the value to the sum of the s and d electrons up to manganese, that TiO2 जो compounds है ना उसमें Ti का oxidation state क्या है? 4 plus 4, उसमें दोनों electron involved होगी, s electron भी involved होगा और d electron, क्योंकि titanium का electronic configuration पता है, इसका atomic number होता है 22, argon में 18 complete, 4s2 यानी 20 complete, तो क्या आएगा? 3d2 यानी 22, अब Ti plus 4 है तो चारों के चारों electron निकल जाएंगे. चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि कौन से दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए? एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज सब में आगे जाओ तो वेनेडियम में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस 5 VO2 प्लस. उसमें वेनेडियम का खुद का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? प्लस 5. या तो फिर क्रोमियम CrO4 2 माइनस, उसमें क्रोमियम का कौन सा है? अगेन 6. ओके, वैसे मैंगनीज MnO4 माइनस, उसमें मैंगनीज का कौन सा है? 7. ये जस्ट सब ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखे, जैसे टिटानियम 4 प्लस, वेनेडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6, मैंगनीज प्लस 7, सब में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? एस एंड डी, फॉलोड बाय द रादर एब्रप्ट डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट टिपिकल स्पीसीज टू फॉलो आर Fe+2, Fe+3, कोबाल्ट में CO+2, CO+3, निकल में कौन है स्टेबल? Ni+2, कॉपर में कौन स्टेबल है? Cu+1, Cu+2, और Zn में कौन स्टेबल है? Zn+2. इसके कोई बेसिक रूल नहीं है कि यही स्टेबल है और यही स्टेबल क्यों नहीं होगा, या फिर Zn+2 स्टेबल है तो Cu+2 ही स्टेबल होना चाहिए, ऐसा बेसिक रूल यहाँ पे नहीं है. तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन स्टेबल है. Fe में कौन स्टेबल है? Fe+2 एंड Fe+3. लाइकवाइज कोबाल्ट में भी सेम है. निकल में Ni+2, Cu में +1 +2 बोथ, एंड जिंक में एक ही था. जिंक में तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक ही था, +2 ओनली. द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. एस और पी ब्लॉक हम पढ़ के आए. एस और पी ब्लॉक में कितना सिंपल था. एस ब्लॉक में पहला ग्रुप मतलब कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, ऊपर से नीचे तक चले जाओ सारे एलिमेंट्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकेंड ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई वेरिएशन ही नहीं था. बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टी है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएशन शो करता है. और वो जो हमने एक सीरीज देखी स्केनेडियम से लेके जिंक तक, वो सीरीज में सारे ऑक्सीडेशन स्टेट बताए गए थे. हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहते, मिडल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज्यादा. सो द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट दैट अराइज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ विच ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल. वो किसकी वजह से आता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ड्यू टू द विच ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल. इनकम्प्लीट फिलिंग यानी कि इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन अ सच अ वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक यूनिट में चेंज होगा, +2 +3 +4 ऐसे करके. दैट वेनेडियम +2 एंड वेनेडियम +3, उसके बाद वेनेडियम +4, उसके बाद वेनेडियम +5, एज अ यूनिटी चेंज है. 2 और 3 में +1 का चेंज है, 3 और 4 में अगेन 1 का चेंज है. दिस इज इन कॉन्ट्रेक्स्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वेर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय यूनिट ऑफ 2. अगर आप नॉन मेटल यानी पी ब्लॉक को याद करो, तो पी ब्लॉक में अगर वेरिएशन दिखने मिलता था ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंने अभी एस का लिया तो उसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं बताया. ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. पी ब्लॉक में 13-14 में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट जो लास्ट के ग्रुप है 15, 16, 17, 18 जो अभी हमने पढ़ा, बड़ा सा चैप्टर 7 नंबर का डन, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग थे. बट उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो रहे थे ना, वो बाई टू यूनिट. लाइक अगर आप 15 ग्रुप को पकड़ लो तो 1, 3, 5 एंड 7 याद आ रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा था? 2 यूनिट्स का. बट यहां पे कितना चेंज होगा? 1 यूनिट्स का. ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में इतना डिफरेंस है. आया समझ में? आया ना? अन इंटरेस्टिंग फ्यूचर्स इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस्ड अमॉन्ग द ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप 4 टू ग्रुप 10.
डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर थ्री से लेके 12 तक आते हैं, ग्रुप नंबर थ्री से लेके कहां तक आता है 12, बट नोटिसिबल वेरिएबिलिटी कहां दिखने मिलती है 4 से लेके 10, आगे पीछे के छोड़ देने। एक्सट्रीम पोजीशन में तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन नहीं है, बीच में ही ज्यादा वेरिएशन है। ऑल्दो इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हैवियर मेंबर्स। पी ब्लॉक में जैसे ग्रुप में डाउन जाते हो टॉप टू बॉटम, वैसे एलिमेंट्स हैवी होते जाएंगे, एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करते हैं, है ना। जैसे कि 15 नंबर का ग्रुप पकड़ लो, क्या था 15 ग्रुप का, नाना पाटेकर, एस्पिरिया, सब बीमारी, बिस्मत, बीआई प्लस 3 था, आया समझ में, प्लस 3, उसके पास प्लस 5 प्लस 7 था नहीं, लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था। तो पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हैवियर मेंबर ड्यू टू द विच इफेक्ट, इन एट पेयर इफेक्ट, एंड द ऑपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रुप नंबर 6 मोलिबेंडम, दैट इज उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 6, एंड वेनेडियम सॉरी टंगस्टन, डब्ल्यू एन ई टंगस्टन, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6, दे आर फाउंड मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। ओके, क्रोमियम ऊपर रह जाता है, लास्ट में कौन आता है, मोलिबेंडम एंड टंगस्टन। तो जैसे नीचे जाते ऑक्सीडेशन स्टेट जो ज्यादा हो वो स्टेबल होता है, पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो वो स्टेबल होता है, डी में अपोजिट जो ज्यादा हो वो स्टेबल होता है। दस क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेर एज MOO3 एंड WO3 आर नॉट, क्योंकि ये तो स्टेबल स्टेट है, स्टेबल स्टेट है तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे नहीं, बट क्रोमियम में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिमूव, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग यानी कि जीन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया है एंड देन बॉन्ड बनाया है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और जिन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है और बॉन्ड बना रहे, तो हमने 11th में ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, साइड टू साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, पाई बॉन्ड एक्सेप्टर भी होगे डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म, आगे का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और वो भी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब जो लिगेंड्स हो गए दे आर कैपेबल टू व्हाट, पाई एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू विच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल इन NiCO4, NiCO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें CO जो है दैट इज लिगेंड, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, निकल को, और निकल जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो डी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट, आया समझ में। तो इस टाइप का जो फॉर्म कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, दे हैव एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे मेक विच कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा ऐसा इसका एग्जाम्पल दिया है FeCO5 इन विच अगेन CO इज द लिगेंड, और ऐसे 5 CO एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, Fe को, और Fe के अंदर और निकल के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल्स में एम्प्टी स्पेस मिलती है तो उसके अंदर वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई बॉन्ड बनेगा। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयन इज 0, इन दैट केस निकल ना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना आयन लूज करेगा, दैट्स व्हाई उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हुए भी क्या बनेगा, कंपाउंड, और दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ज्यादा डीपली मीनिंग्स मैं उसी चैप्टर में सिखाऊंगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई डाउट है, ओके। ट्रेंड्स इन द M2+ / M,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ ना, एम टू प्लस में किसमें कन्वर्जन हुआ, एम, थर्ड चैप्टर याद आ रहा है, एम टू प्लस में से एम में कन्वर्ट होना रिडक्शन हुआ, तो उसके लिए जो एनर्जी होता है दैट इन्वॉल्व, एनर्जी इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो टेबल कंटेन्स द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम टू एम प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. टेबल 8.4 की बात की जा रही है, 8.4 ओके. इसमें आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया है, पहले तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है, दिस ए रिप्रेजेंट एटोमाइजेशन एंथैल्पी, फिर आई रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ए वन गलती से लिख दिया है, क्या आएगा आई आएगा, सेकंड तो पीछे लिखा ही है ना, सिर्फ यहां पे आई करना है, मैं कर रहा हूं लेकिन रेड के ऊपर रेड कलर नहीं दिखेगा. ओके फिर कौन सा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब मिला के पोटेंशियल डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, पोटेंशियल, तो सबके पोटेंशियल दिए गए. अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सबके पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, उससे कुछ कंक्लूजन देना है हमें, समझते हैं. सो टेबल कंटेंस थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स जिसमें हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी देखा, एटोमाइजेशन एंथैल्पी देखा और फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा, दैट रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मेटल टू विच आयन, एम प्लस टू, पहले सॉलिड मेटल होता होगा उसका एटोमाइजेशन हो किया जाएगा, यानी कि एटम में क्रिएट करेंगे, एटम में से आयोनाइज फॉर्म में ले जाएंगे यानी कि आयन्स बनाएंगे, कभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा, कभी सेकंड, प्लस टू तक जाना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो तीन एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई और लास्ट में उसका जब वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो मेटल से लेके एम टू प्लस कन्वर्जेंस करने में हमें मदद करेंगे. एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइनली हमें क्या मिलेगा, लास्ट कॉलम किसका था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का. द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ ई जीरो एंड दोज कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा आर कंपेयर्ड इन दिस फिगर. उसमें आपको ये जो रेड है दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके जो ऑब्जर्व किया जाता है वो वैल्यू, और जो ग्रीन है वो कौन से वैल्यू है, थियोरिटिकल वैल्यू. अब थियोरिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो 11th स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, उसमें एंथैल्पी चेंज के बारे में बताया गया था, पूरा सारे एंथैल्पी का समेशन करके ई जीरो निकाला जाता है. ओके इतना सिंपली याद रख लेते हैं. बट अभी अगर हम देखें तो इनिशियली दोनों वैल्यू मैच हो रहे हैं, देखिए कहां तक, एफी तक, और फिर दोनों में क्या दिख रहा है, सेपरेशन. ग्राफ याद रखो और कंक्लूजन याद रखो, उसको समझाना है. द यूनिक बिहेवियर ऑफ सीयू यानी कॉपर, तो लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, कॉपर, कॉपर जो है ना जीरो लिमिट से ऊपर जा रहा है, सीरीज में सब जीरो के कहा है, सिर्फ कॉपर कहा जा रहा है ऊपर, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा हो गया, यूनिक, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग विच वैल्यू, जीरो से नीचे क्या होगा, नेगेटिव, जीरो से अब क्या होगा, तो उसके पास कौन सा वैल्यू है ई जीरो का, पॉजिटिव. अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट एच टू फ्रॉम एसिड, मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद द एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, 10th स्टैंडर्ड पता है ये रिएक्शन, मेटल व्हेन रिएक्ट विद द एसिड कौन सा गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, बट कॉपर नहीं करेगा, कॉपर करेगा नहीं, उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है, कॉपर हैज इन एबिलिटी टू लिबरेट विच गैस, H2 फ्रॉम एसिड, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक नाइट्रिक और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द कॉपर, सिंपल HCl कभी रिएक्ट करेगा नहीं. द एसिड बींग रिड्यूस, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगी तभी एसिड क्या होगा, रिड्यूस होगा, किससे, कॉपर से. द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म CU टू कन्वर्ट CU टू प्लस इज नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी. CU को किसमें कन्वर्ट करना है, CU टू प्लस में, तो पहले CU का एटोमाइजेशन एनर्जी आएगा, एटम बनने के बाद CU किसमें कन्वर्ट होगा, CU प्लस में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, CU प्लस बनने के बाद CU किसमें कन्वर्ट होगा, CU प्लस टू में, सेकेंड आयोनाइजेशन
एंथैल्पी, इतनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, दैट टोटल एनर्जी इज नॉट बैलेंस्ड बाय विच एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड सो द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव ई जीरो वैल्यू अक्रॉस द सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देखो दो चीज को सेपरेट कर लेते, कॉपर के केस में पॉजिटिव एनर्जी मिला, पॉजिटिव पोटेंशियल मिला, वो क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का समेशन हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना नहीं हो रहा है. बट जो जनरल ट्रेंड है बाकी के एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, तो जो जनरल ट्रेंड्स है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल आर अक्रॉस द सीरीज टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ विच एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो समेशन होता है दैट इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी से वो समेशन क्या होगा? ज्यादा. चेक करना हो तो कर लो, समेशन करो दोनों का. सिंपल रफली बोलो 1300 प्लस 600 कितना हुआ? 1900. इट इज ग्रेटर देन व्हाट? आया समझ में? अब इस कॉपर के केस में करो 1900 प्लस 700 बोलो 2600. यहां पे कितना है? कम हुआ ना, इसीलिए कॉपर का बिहेवियर चेंज हो गया. बाकी सबका बिहेवियर क्या रहेगा? अलग. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ ई जीरो फॉर एमेन निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड. यानी कि ए रहा निकल, फिर कौन सा? मैंगनीज एंड जिंक. ऐसे इंक्रीज होना चाहिए था बट मैंगनीज में कहा गया नीचे. ऐसे इंक्रीज होना चाहिए था बट निकल और जिंक कहा चला जा रहा है? ओके सॉरी, दिस वन निकल एंड दिस वन जिंक. ओके, तो यहाँ पे जिगजैग पैटर्न, जैसे ऊपर जाना था फिर कहा चले गए? नीचे, यानी आएगा मैंगनीज. ऊपर जाना था फिर कहा चले गए? नीचे, यानी कि ये वाला आएगा आपका कोबाल्ट. कोबाल्ट के बारे में बोला? ओके सॉरी, कोबाल्ट नहीं लेना है. ओके, निकल लेना है, कोबाल्ट नहीं लेना है, तो वो ऊपर ही जा रहा है. और दूसरा जिंक, कॉपर के बाद जिंक ऊपर जाना चाहिए बट जिंक नीचे, तो ये दो समझ में आ रहे, जिंक और कौन? मैंगनीज. बट निकल वाला तो अप ही जा रहा था ना. ओके, पढ़ लेते बट फिर भी, मैंगनीज निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन दी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेंड. वो उसका रीजन दिया है नीचे, एक बार देख लेते हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल डी सब सेल इन अ विच एमएन टू प्लस. एमएन टू प्लस में वो ट्रेंड क्यों आया? तो जब एमएन की बात करें तो एमएन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 25. कौन सा है? 25. तो 4H2 3D5 होगा. 4H2 क्या होगा? 3D5. आर्गोन के बाद 4H2 और 3D5. प्लस 2 करेंगे तो 4S निकल जाएगा. कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3D5. यानी कि कौन सा हुआ? हाफ फिल. हाफ फिल्ड सबसेल इन अ विच एमएन प्लस टू एंड द कंप्लीटली फील्ड D10 कंफिग्रेशन इन व्हाट? ZN प्लस टू. अभी देखा था 3D10 4H2. क्या था? 3D10 4H2 और प्लस 2 करेंगे तो क्या रहेगा? 3D10. तो कंप्लीटली फील्ड आर रिलेटेड टू देयर E0 वैल्यू. वेयर एज E0 वैल्यू फॉर Ni इज रिलेटेड टू हाइएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये दो MN प्लस टू और ZN प्लस टू में वेरिएशन क्यों है वो समझाने के लिए हमने किसका हेल्प लिया? इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का, हाफ फील्ड एंड दूसरा क्या था? कंप्लीटली फील्ड. बट निकल का समझाने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी. इसलिए निकल यहां पे भी नहीं मिला हमें, उसके यहां पे हम क्या ढूंढ के बैठे थे? मैंगनीज. मैंगनीज नहीं आएगा. कौन लेना है? निकल. आया समझ में? तीन रीजन पूछे तो एमसीक्यू में आएगा ना. एमएन प्लस टू का पोटेंशियल क्यों नीचे जा रहा है? नेगेटिव साइड हाफ फील्ड कंफिग्रेशन की वजह से. फिर ZN प्लस टू का पोटेंशियल नीचे क्यों जा रहा है? कंप्लीटली फील्ड. और Ni प्लस टू का हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो हाई नेगेटिव है, ज्यादा है और नेगेटिव है. बोलो कोई डाउट? तो अभी हमने M2 प्लस में से किस में कन्वर्जेंस देखा? M में, रिडक्शन पोटेंशियल. अब बात करते हैं N3 प्लस में से M2 प्लस में. एन एग्जाम्पल एग्जामिनेशन ऑफ E0 वैल्यू यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू M3 प्लस टू M2 प्लस विच आर गिवन इन द टेबल 8.1
2. ये वाला लाइन M3 प्लस में से क्या आएगा, M2 प्लस. ओके आगे तीन के लिए क्या है, नेगेटिव, और स्कैनेडियम तो आ ही नहीं रहा है उसमें. देन और फिर पीछे तीन के लिए पॉजिटिव, और पीछे के तीन नहीं आएंगे, आगे का एक पीछे का तीन, चार निकाल दिए, टोटल कितने बचे, सिक्स, उसमें आगे के तीन नेगेटिव, पीछे के तीन पॉजिटिव. क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन देना है उसका. ओके, द लो वैल्यू फॉर एस सी, एस सी का वैल्यू नहीं दिया था, स्कैनेडियम में वैल्यू नहीं था, देखा था टेबल में, दैट रिफ्लेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ वॉट, एस सी प्लस थ्री, उसमें डैश इसीलिए था बिकॉज एस सी प्लस थ्री कभी भी एस सी प्लस टू में जाएगा ही नहीं. क्यों? एस सी का कंफिग्रेशन क्या है, थ्री डी वन फोर एच टू, तो वो प्लस थ्री बन गया है ना, प्लस टू यानी कि थ्री डी वन, थ्री डी वन क्यों स्टेबल रहेगा, उसके जहां पर वो वन इलेक्ट्रॉन ना दे दे, और वन इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनेगा, आर्गॉन, यानी कि एस सी प्लस थ्री का कंफिग्रेशन किसके जैसा है, आर्गन, और आर्गन कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन रेजिस्ट करने का ट्राई करता है, तो एक बार आर्गन जैसा कंफिग्रेशन आ गया फिर वो एस सी प्लस टू में क्यों जाएगा, आया समझ में, और दैट्स व्हाई एस सी प्लस थ्री खुद इटसेल्फ क्या है, स्टेबल, विच हैज नोबल गैस कंफिग्रेशन, और वो नोबल गैस कंफिग्रेशन किसके जैसा है, हाँ ए आर मतलब आर्गन. बोलते जाना, क्वेश्चन के आंसर दो तो यहां पे ही आ जाएगा, पहले समझा देता हूं फिर वही से क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, तो थोड़ा अटेंशन देके बोलना रखो, बैठे रहते हो दैट मीन्स कि इडल बैठे हो, और इडल बैठने से कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना, तो पैटर्न चेंज करो अभी भी. द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच स्टेबल डी टेन कंफिग्रेशन. आप देखो पहले तीन नेगेटिव थे और बाकी के तीन पॉजिटिव थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा वैल्यू लास्ट चार में तो डेसी दिया था, बट अगर जाते तो जिंक में हाईएस्ट वैल्यू आता, जिंक में वैसे पॉसिबल नहीं है बट फिर भी क्या आता, हाईएस्ट वैल्यू. क्यों? अगर जेड एन प्लस थ्री करना है तो जेड एन प्लस टू तो हमें पता है कि फोर एच टू दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, प्लस थ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा, थ्री डी टेन में से, और थ्री डी टेन ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा, एंड सो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डी टेन में से निकालना पड़ेगा, यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू. द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज, सो दैट एम एन प्लस टू में कौन सा कंफिग्रेशन था, डी फाइव कंफिग्रेशन था, यानी कौन सा हुआ, हाफ फिल्ड, इज अ पर्टिकुलरली स्टेबल, वेयर कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर एफ ई सोज दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एफ ई प्लस थ्री. अब देखो Fe प्लस थ्री में कौन सा कंफिग्रेशन आने वाला है, D5, ओके, और इसीलिए Fe प्लस थ्री भी क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाफ फील्ड है तो, एंड सो कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ V2 प्लस हाफ फील्ड T2G लेवल, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अ विच चैप्टर 9, जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, CFT, उसमें हम डी ऑर्बिटल्स में कितने टाइप है, टोटल पांच टाइप है ना, ये पांच टाइप को ऐसे अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करने वाले हैं तीन और दो में. ओके मैंने मतलब कि हम जब डी फाइव पढ़ते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पांचों का एनर्जी क्या है, सेम, तो साथ में रखते हैं, लेकिन सीएफटी थ्योरी जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि दोनों के एनर्जी के बीच में क्या है, गैप, तो तीन का एनर्जी ज्यादा है और फिर दो का, इसलिए ऐसे डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव फिलअप करने की जगह पे डी वन डी टू डी थ्री होने के बाद यहाँ पे पेयर होना स्टार्ट होगा. ओके ये थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो हम कहां पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में, सिर्फ अभी वर्ड टू वर्ड याद रखना है. ट्रेंड्स इन अ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस सीरीज के जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर क्या शो करते हैं, स्टेबिलिटी, वो क्यों करते हैं वो समझते हैं. सो टेबल 8.5 शोज द स्टेबल हैलाइड्स ऑफ 3D सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज, और पूरे चैप्टर में हम 3D पढ़ रहे हैं, स्कैटी विक्रम फेकोनी कॉपर जिंक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो आपको उसके हैलाइड दिए गए जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो, प्लस वन से लेके कहां तक, प्लस सिक्स, कॉपर प्लस वन बनाता है. ओके कॉपर के अंदर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहां पे प्लस वन
ओके होगा, क्यों? क्योंकि हैलाइड का क्या है, ओके एक्स थ्री इक्वल्स टू क्या लेना है, Cl, और X2 इक्वल्स टू क्या लेना है, FnCl, और X1 इक्वल्स टू क्या लेना है, FbR, एंड X इक्वल्स टू क्या लेना है, O. अभी देखो A ले, Fi नहीं, ये F2I है, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, ये फ्लोरीन टू और ये फ्लोरीन और क्लोरीन ओनली, यहाँ पे एरो नहीं है, और ये क्लोरीन एंड क्लोरीन टू आयोडीन, मतलब क्लोरीन एंड आयोडीन हुआ, फ्लो की बाहर आई, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आएगा और ब्रोमीन के बाद क्या आएगा, आयोडीन, ऐसे समझना है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है पहले, तो एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस, तो सीयू का क्या हो जाएगा, प्लस, तो आया प्लस वन सामने, आया समझ में, आया ना। अब यहाँ पे एक्स टू है तो एक एक्स का माइनस होता है, तो दो एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस टू, तो सीयू का क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो आया सामने प्लस टू। ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स आपको दिए गए, टेबल रेडी करना जरूरी नहीं है, बट टेबल का कंक्लूजन क्या है वो पढ़ते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन अ विच TiX4, TiX4 हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, प्लस फोर, उसके अलावा प्लस सिक्स भी है, किसके केस में, क्रोमियम के केस में, बट अभी जो कंक्लूजन है वो धीरे धीरे समझना चालू करते हैं। तो TiX4 दैट इज टेट्राहैलाइड, तो देखो अलग अलग हैलाइड्स भी दिए गए, ए टेट्रा, पहले ए हेक्साहैलाइड है, पेंटाहैलाइड, और दिस वन टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस फोर। दूसरा कहां पे मिलेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, VF5, तो यहां से स्टार्ट किया, कौन आया, VF5, फिर उसके बाद कौन आएगा, CrF6, आया समझ में। प्लस सेवन स्टेट फॉर Mn इज नॉट रिप्रेजेंट इन द सिंपल हैलाइड, Mn जो होता है ना, अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया था, तो Mn में प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक था, याद है, बाकी ना, तो प्लस सेवन स्टेट जो है वो यहां पे Mn के लिए सिंपल हैलाइड में आने वाला नहीं है, बट अगर MnO3F लिया जाए, ऑक्सो फ्लोरो संयोजन, सॉरी कंपाउंड, संयोजन दैट इज गुजराती वर्ड, दैट्स माय मिस्टेक, ऑक्सो फ्लोरो कंपाउंड किसका, मैंगेनीज का, तो उसमें मैंगेनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस सेवन, तो मैंगेनीज को हायर पीक ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचना है, प्लस सेवन तक, तो उसके साथ ऑलवेज ऑक्सीजन चाहिए, कौन चाहिए, ऑक्सीजन, उसका दूसरा प्लस सेवन स्टेट किस में पता है, MnO4- में, MnO4- मैंगनेट, पर मैंगनेट, याद है, जिसमें ऑक्सीजन का माइनस टू लो, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, माइनस एट ऊपर जाएगा प्लस एट, एट में से वन जाएगा, तो मैंगनीज प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होगा तब, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन निकाल के हमने क्या रख दिया, फ्लोरीन, तो ये हैलाइड वाला भी आ गया, अकेले हैलाइड के साथ उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन साथ में होना चाहिए। बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज अ ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड CoF3, Mn में ट्राई हैलाइड है, उसके बाद किसके पास ट्राई हैलाइड है, FeNCO, उसके बाद निकल कॉपर जिंक के पास ट्राई हैलाइड नहीं है, बियॉन्ड यानी कि Mn के बाद, इसके कौन से दो के पास है, FeNCO, उसके बाद किसी के पास भी नहीं है। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू दी आइदर हायर लेटाइस एनर्जी एज द केस ऑफ CoF3, फ्लोरीन जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड क्यों करता है, बिकॉज फ्लोरीन का जो लेटाइस एनर्जी है वो क्या है, हाईएस्ट, तो हायर लेटाइस एनर्जी एज इन केस ऑफ CoF3, कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन ने ट्राइहैलाइड बनाया, ओके अब ट्राइहैलाइड वाले केस में देखो, कोबाल्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के अलावा कोई बनाता तो ऐसे एक्स करके नीचे वाला देते ना, आया समझ में, यानी कि CoCl3 पॉसिबल नहीं है, CoBr3 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, सिर्फ क्यों फ्लोरीन बनाता है, तो फ्लोरीन इसीलिए बना पाता है बिकॉज उसके पास क्या है, हायर लेटाइस एनर्जी और अ हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक VF5 एंड CrF6। अब देखो हेक्साहैलाइड में सिर्फ फ्लोरीन ही आ रहा है,
हेक्सा पेंटाफ्लोरिन पेंटाहेलाइड में भी सिर्फ क्या रहा है, फ्लोरिन, क्लियर। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में सिर्फ फ्लोरिन ही क्यों आता है? तो अगर कोबाल्ट के केस में एक्सप्लेन करना हो तो कौन सा वर्ड लेंगे, हायलेडाइसेनाइड, बट वेनेडियम और क्रोमियम के लिए करना हो तो हम बोलेंगे हायर बॉन्ड एंथैल्पी या तो फिर हायर कोवेलेंट कंपाउंड। फ्लोरिन के साथ जब वो कनेक्ट हो गए, कंबाइंड हो गए, तो वो कंपाउंड हायर कोवेलेंट बन जाएगा। आया समझ में? ऑल्दो वी प्लस फाइव इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वी एफ फाइव एंड द अदर हेलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव विच हेलाइड, ऑक्सो हेलाइड्स लाइक वीओ एक्स थ्री। अनदर फ्यूचर ऑफ फ्लोराइड इज दैट इनस्टेबिलिटी इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि वी एक्स टू कभी भी पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो भी लो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलाइड ज्यादा हो गए वैसे स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे उल्टा है, ट्रांजिशन एलिमेंट में स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, ज्यादा, और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में कम, जैसे हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वैसे। आया समझ में? आया ना? ओके, BH2 के साथ दूसरा भी एक एग्जांपल है, सेम अप्लाइज टू विच CuX, कॉपर हैलाइड। ऑन द अदर हैंड Cu2 प्लस हैलाइड्स आर नॉन एक्सेप्ट टू आयोडाइड। ओके, Cu प्लस टू हैलाइड नॉन है, तो ये रहा Cu प्लस टू हैलाइड, उसमें X2 यानी कि फ्लोरीन से कहां तक आएगा, क्लोरीन, कौन छोड़ देना है, सॉरी फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और कौन छोड़ देना है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो यहां पे सिर्फ आयोडीन का जिक्र किया हुआ। Cu प्लस टू ऑक्सीडाइज आयोडीन माइनस टू विच आई, तो देखो कभी भी Cu प्लस टू आई के साथ कंबाइंड होके ऐसे CuI2 नहीं बनाएगा, उसकी उसकी जगह पे वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद क्या बनाएगा, Cu2I2, जिसमें Cu2I2 मतलब CuI होता है, Cu2I2 मतलब क्या होगा, CuI, दो मॉलिक्यूल उसके, और इसमें I माइनस और Cu क्या होता है, प्लस, और I2 को रिड्यूस कर देगा, I माइनस में से क्या बना देगा, I2। हाउएवर मेनी कॉपर वन कंपाउंड आर अनस्टेबल इन अ विच सॉल्यूशन, एक्वेसियस एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। What do you mean by disproportionation reaction? Oxidation number क्या होना, change होना, आगे 7 chapter में आया हुआ है, तो Cu plus convert हो जाएगा किसमें, Cu plus itself, और एक Cu plus किसमें convert हो जाएगा, Cu में, एक में oxidation number बढ़ा यानी कि oxidation हुआ, दूसरे में oxidation number कम हुआ यानी क्या हुआ, reduction। The stability of Cu plus 2 rather than Cu plus is due to much more negative which enthalpy, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu प्लस टू देन दी Cu प्लस, Cu प्लस टू Cu प्लस से ज्यादा स्टेबल है, उसका मेन रीजन क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और इसीलिए Cu प्लस टू को क्या प्रोवाइड कर देता है, स्टेबिलिटी, किसके कंपेयर में, Cu प्लस के कंपेयर में, और इसीलिए आपने यहां पर देखा Cu प्लस टू किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu प्लस में। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ विच फॉर्म, ऑक्सीजन जब कोई एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड आर गिवन इन द टेबल, जैसे ऊपर हेलोजन का था वैसे अब ये सारे कंपाउंड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, कंपाउंड याद रखना नहीं है बट उसके अंदर के जो सेंटेंस कंक्लूजन है वो याद रखना है। So the highest oxidation number in oxide are coincide with the group number and it is attained in a Sc2O3 to what, Mn2O7। इसमें Sc का oxidation number होगा plus 3, वहां पे Mn2O7 में क्या होगा, plus नहीं होगा, ऐसे Mn कितने हैं, ओके सही है सही है, ये 2 माइनस उधर जाएगा और Mn प्लस उधर जाएगा। देखो इसका 7 टू जा माइनस 14 का प्लस 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 7, तो प्लस 3 से लेके कहां तक, प्लस 7 तक, बियॉन्ड ग्रुप 7, ग्रुप 7 के बाद नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe अबाउट Fe2O3, इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, प्लस 3 आर नॉन, यानी कि ग्रुप 7 के आगे जाएंगे 8 ग्रुप 9 ग्रुप 10 ग्रुप में तो प्लस 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने मिलेगा नहीं।
although ferrets, that is FeO4, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6, गिनो ऑक्सीजन का -2 into 4 -8 ऊपर जाएगा तो +8 -2 वाया +6 आर फॉर्म्ड इन अ विच मीडियम अल्कलाइन मीडिया बट दे रेडली डिकम्पोज टू विच Fe2O3 and O2 बंद हो जाता है कौन से मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में बट तुरंत क्या हो जाएगा डिकम्पोज होकर वापस क्या बना देगा Fe2O3 बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सो कैटायन स्टेबलाइज VO2 plus में वेनेडियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 लाइकवाइज VO2 plus में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4 लाइकवाइज TiO plus 2 में TI का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4 तो ऐसे ऑक्सो कैटायन क्यों बोला ऑक्साइड के साथ कंपाउंड तो है ही और साथ में कौन सा चार्ज है पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं केटायन क्या बोलते हैं केटायन द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन दस हाइएस्ट Mn फ्लोराइड इज MnF4 वेयर एज हाइएस्ट ऑक्साइड इज Mn2O7 फ्लोरीन से भी ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीजन का क्लोरीन ज्यादातर Mn को कहां तक ले जा पा रहा है Mn+4 तक बट ऑक्सीजन कहां ले जा पा रहा है Mn+7 तक द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू द मेटल एक्सप्लेन इट्स superiority that in the covalent oxide of Mn2O7 each Mn is tetrahedrally surrounded by oxygens including which bridge MnO bridge Mn कितने है दो Mn के पास दो Mn के अराउंड 7 ऑक्सीजन अरेंज हो गए कैसे tetrahedral बने वैसे tetrahedral पता है ना नीचे ट्राइंगल और ऐसे तीन साइड अपसाइड क्लियर वैसे अरेंज हो गए और एवरी Mn के बीच में कौन आएगा ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल MO4N- आयंस आर नोन फॉर V5 CR6 MN5 MN6 and MN7 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा MO4 M यानी मेटल मेटल की जगह पे क्या ले सकते हैं वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आया समझ में और उनका शेप क्या बनेगा टेट्राहेड्रल ऐसे आयंस भी नॉन है क्लियर